हाय फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। मेरे यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से स्वागत है आपका एक नई वीडियो के साथ। तो आज हम बनाने जा रहे हैं मूंग दाल। ये मूंग दाल बिना छिलके की है और ये बहुत ही टेस्टी बनती है। ये बाज़ार में आसानी से अवेलेबल भी हो जाती है। तो अभी लॉकडाउन का सीज़न चल रहा है, तो अब हम ही हरी सब्ज़ियाँ नहीं खा रहे हैं। हरी सब्ज़ियाँ खाने भी नहीं चाहिए वैसे भी, और बाज़ार भी बंद है, इसीलिए हम दाल बना रहे हैं। तो ये देखिए, दाल बहुत टेस्टी बनती है, बच्चों को बहुत ही ज़्यादा पसंद होती है दाल। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसको बनाना। तो ये देखिए, मैंने यहाँ पे मूंग दाल ली है एक तो कटोरी अब के हम करीब। लेते हैं कुकर, और और कुकर के अंदर ऑयल डालते हैं। ऑयल गर्म होने के बाद में मैंने यहाँ पे आधी छोटी चम्मच जीरा डाल दिया है, और जीरे को हम पकने देते हैं जब तक कि जीरे का कलर है वो चेंज ना हो जाए तब तक। तो जीरा पकने के बाद हम इसके अंदर एक बड़े साइज़ का मैंने प्याज लिया था कट करके, वो डाल देंगे। और प्याज का जो कलर है वो हमें गोल्डन ब्राउन करना है। तो इसके साथ ही मैंने यहाँ पे 2 से 3 हरी मिर्ची ली थी, वो डाल देंगे कट करके। और इन दोनों चीज़ों को अच्छे से फ्राई कर लेंगे जब तक प्याज का जो कलर है वो सुनहरा ना हो जाए। तब तक हमें प्याज और हरी मिर्ची को अच्छे से फ्राई कर लेना है। तो प्याज और हरी मिर्ची हमारी अच्छे से फ्राई हो चुकी है। अब हमने इसके अंदर एक बड़े साइज़ का टमाटर लिया था, वो डाल देंगे। और टमाटर को भी अच्छे से मिक्स कर देंगे। हम यहाँ पे गैस का फ्लेम मीडियम रखेंगे, हाई नहीं रखेंगे। और अब मैंने यहाँ पे जो लहसुन का पेस्ट बना के रखा था वो डाल देंगे, और इसको भी अच्छे से मिक्स कर देंगे। तो दाल है ना, वो बहुत टेस्टी बनती है। और जब अचानक हमारे घर में कोई सब्जी भी नहीं हो तो दाल बना सकते हैं फटाफट, जो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनती है। तो मैंने यहाँ पे आधी छोटी चम्मच हल्दी पाउडर डाल दिया है, और इसको भी अच्छे से मिक्स करने के बाद मैंने यहाँ पे आधी छोटी चम्मच के करीब ही नमक डाल दिया है। नमक वैसे आप अपने टेस्ट के हिसाब से कर सकते हो, क्योंकि कई कम खाना पसंद करते हैं, कई ज़्यादा खाना पसंद करते हैं। और ये मैंने यहाँ पे एक छोटी चम्मच के करीब लाल मिर्ची पाउडर डाल दी है, और इसको भी अच्छे से मिक्स कर देंगे। लाल मिर्ची पाउडर को भी अच्छे से मिक्स कर देंगे। और अब हम यहाँ पे डालेंगे एक छोटी चम्मच के करीब ही धनिया पाउडर, और इसको भी अच्छे से मिक्स कर देंगे। तो मसाले हमने सभी डाल दिए हैं। तो ये देखिए, हमारे जो मसाले हैं वो पक के रेडी हो चुके हैं, बिल्कुल तैयार हैं, और ग्रेवी बिल्कुल अच्छी बनी है। तो बस अब हम इसके अंदर दाल डाल देंगे, जो हमने मूंग की दाल ली थी वो डाल देंगे, और इसको भी अच्छे से मिक्स कर देंगे दाल को भी। तो ये दाल बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनती है, और चावल के साथ तो बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार लगती है ये। अगर दाल इस ये दाल और चावल के साथ बना के खाते हैं ना तो बहुत अच्छी लगती है। तो ये देखिए, मैंने दाल को भी अच्छे से मिक्स कर दिया मसालों के साथ, बिल्कुल अच्छे से मिक्स हो चुकी है हमारी दाल। और अब हम इसके अंदर डालेंगे पानी। तो पानी हमें, आपको सबको पता है, दाल वैसे पतली होती है, तो पानी थोड़ा ज़्यादा ही डालना है, क्योंकि हम सब्जी के अंदर इतना पानी नहीं डालते जितना दाल के अंदर डालते। तो मैंने यहाँ पे लगभग 3 गिलास पानी के डाल दिए हैं। और इसको, पानी को, दाल को हमें अच्छे से मिक्स कर देना है, क्योंकि दाल है वो फूलती है पकने के बाद में, और घुली घुली बननी चाहिए, और पतली भी होती है दाल, सब्जी से कहीं पतली होती है। तो इसीलिए मैंने यहाँ पे इसके अंदर पानी डाल दिया लगभग 3 गिलास के करीब। इसको अच्छे से मिक्स कर देते हैं। अब हम कुकर के ऊपर ढक्कन लगा देते हैं, और लगभग मैं यहाँ पे 4 सीटी लगने दूंगी इसके। तो 4 सीटी के बाद में हमारी दाल है वो ऐसे बन के रेडी हुई है। देखिए, बहुत ही मज़ेदार बनी है, बिल्कुल परफेक्ट तरीके से घुल गई है ये दाल हमारी। और तो चलिए, मैं इसको अलग बर्तन में निकाल देती हूँ। तो इसको अलग बर्तन में निकाल दिया। ये देखिए, बहुत ही टेस्टी दाल बनी है हमारी, गर्मा गर्म दाल बन के रेडी हो चुकी है। तो उम्मीद करती हूँ ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आएगी। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, और उसके पास में जो बेल आइकन है उसको ज़रूर प्रेस करना, ताकि मैं जो भी वीडियो अपलोड करूँ सबसे पहले आप तक पहुँच जाए। और लाइक कीजिए, फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर कीजिए, और कमेंट करके ज़रूर बताना कि मेरी ये वीडियो आपको कैसी लगी। तो ओके फ्रेंड्स, मिलते हैं अगली वीडियो में एक बार फिर से एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।